मेघासुर नामक असुर के अत्याचार बढ़ते जा रहा है। काहे कि वो व्यक्ति ओकरा वन से अपन पुत्री खातिर आम तोड़ ले रहे, किंतु मेघासुर रुक जाओ। जन मंजूषा के डस लेवेला, ई सब देख भैरव ओकरा बचावे के प्रयास करेलन। फिर उ अरितिका के तलाश में निकलेलन, जहां उनके उनकर पिता सर्प राजा मिलेलन। हमके आभास हो रहल बा कि हमार पुत्री अरितिका अबे संसार में नहीं थी, परंतु सर्पराज ई भी त हो सकेला कि राउर पुत्री जीवित होके। हमके ओके खोजे के होगी, यदि काल भोर होके से पहले हम राउर पुत्री अरितिका के खोज लेहनी, तौ ऋषि कन्या बच सकेले और माँ के प्रति लोगन के श्रद्धा हमेशा अटूट रही। परंतु ये दुष्ट शोलक मिली कहा? हमके ही नहीं के पता कि वो कहाँ रहेला, बस इतना बता सकेनी कि यहाँ से 10 कोस पूर्व दिशा में एगो गिद्ध के सर बनल चट्टान बा और वो गुफा अपना आप में अद्भुत बा। वो गुफा में गिद्धराज भयंतु रहेलन, शायद वहां जाए पर कुछ पता चल सके। गुरुवर, हमार कार्य सिद्ध होखी कि ना? अभी ना, हम कोशिश कर रहल बानी, परंतु हमार एगो बात सुनिहा, जौन कार्य तू करे जा रहल बाड़ा ना, वो संभव नहीं खे, संभव नहीं खे। फिर भी हम प्रयत्न करत बानी। गुरुदेव, हमके भैरव के आवे से पहले ऋषि कन्या के शरीर के भस्म करे के बा, ताकि वो पुनः जीवन लेके माता के भक्ति से हमार ही लोगन के हमरा विरुद्ध ना कर सके। हम स्वयं ही ऋषि कन्या के शरीर के भस्म कर देती, बाकी वो भैरव के सुरक्षा कवच के चलते हम ओकरा निकट नहीं जा पा रहल। रउआ ही कार्य सिद्ध करे के बा गुरुदेव, रउआ के ही कार्य सिद्ध करे के बा। भैरव के सुरक्षा घेरा के प्रभाव के खत्म कैल कठिन बा, किंतु हम प्रयत्न करत बानी। ओम मंगलाय भवताय नमः। क्यों बा यहां? केहू बा यहां? बचाओ, बचाओ। तोहर मित्र बानी हमके छोड़ दो ना गिद्धराज, तू सर्प के लालच में केहू के कुछ भी बता सकेला। तोहार जीवित रहल अब हमरा खातिर घातक बा। गिद्धराज के रहलू? बताई गिद्धराज के रहलू? शोलक। गिद्धराज कृपा करी हमके बताई कि वो शोलक सर्प कन्या के कहां बंदी बनोले बा, ओके कैसे मुक्त कइल जा सकेला। गिद्धराज प्राण जाए से पूर्व एगो अच्छा कार्य करके जाई। दक्षिण दिशा 4 कोस मंदिता, एगो नाव ताम्र मशाल, ओ पार सूखल पत्ता, नीला बीन, अग्नि ध्वस्त।
गिद्धराज त कुछ पहेली जैसन कह के गई बाड़े। अब ओकरा आधार पर हम सर्प कन्या के कैसे बचा पाएगा। से पहले गुरु के उत्पन्न कैले भयंकर द्रव्य से हम मंजूषा के शरीर के जला के राख कर देव, फिर देखत बानी। ई तो अनर्थ करे जा रहल बा। छोड़ दे बुढ़ा। ना हम कहानी छोड़े के कदापि ना। छोड़ दे हमरा रहते तोहरा के पाप कबो ना करे देब। अरे छोड़ ना तो अपन प्राण खो देबे। ना ना। अरे छोड़ ना, छोड़ हम बोलनी छोड़ ना। रुक जा, ई का अनर्थ हो रहा बा, छोड़ा एके। ए ऋषि कन्या के शरीर के भस्म करे के हमार योजना के तू व्यर्थ कर देला। साधना से मिलल ए घातक द्रव्य के भी असफल कर देला। हम तू लोग के छोड़ब ना, कदापि ना। राउर बहुत बहुत धन्यवाद। रउआ हमार पुत्री मंजूषा के शरीर ओ दुष्ट से बचा लेनी। परंतु रउआ अचानक यहाँ कैसे आ गईनी? ऋषिवर हम तो सुतल रहनी। बाबा बाबा ए समय के आ गई। ऋषि कन्या मंजूषा के शरीर संकट में बा। रउआ यही समय तुरंत आश्रम जाई। ठीक बा। परंतु वो ऋषि के रहले पहले तो कब उनके देखनी ना। देवराज इंद्र रउआ और वृद्ध व्यक्ति के सूचना दे के मंजूषा के शरीर के बचा के एगो पुण्य के कार्य कैले बानी। माते राउर भक्तन के रक्षा कैल हमनी सब के कर्तव्य बा। अब बस कैसे भी भैरव सफल होके आ जाए। रउआ हमार मन में आशा के एगो किरण जगा देहनी। हमके लागल जब रउआ हमार पुत्री के तलाश में जा रहल बानी तो हमके भी राउर साथ देवे के चाही। परंतु गिद्धराज के बात तो एगो पहेली जैसन रहल। यदि हमनी ऊपर चलत बानी तो पता ना राउर पुत्री के कैसे खोजल जाई। रउआ हमरे संगे चली। रउआ वो पता ज्ञात बा? ना, बस इतना पता बा कि यहाँ से 4 कोस दूर मदनिका नाम के नदी बहेले, वहाँ चल के देखल जा कि हमनी के आगे का करे के बा। चली, देर मत करी और ये मत भूली कि रउआ के सब कार्य सवेरे होके से पहले पूरा करे के बा।
धन्यवाद भैरव, रउआ है बूढ़ा सर्पराज के जान बचौली। माता के कार्य में रउआ हमार सहायता कर रहल बानी, यही से राउर जीवन के बचावल हमार कर्तव्य बा। नदी तक तो पहुंच गई बानी हमनी, परंतु यहां से राउर पुत्री के कैसे खोजल जाई? उन्हें देखी एगो नाव ताम्र मशाल ओ पार सर्पराज गिद्धराज ई नाव ई ताम्र मशाल भी कहले रहे। ओ रहल ताम्र मशाल और ई नाव दोनों यहां बा। हमनी यहां से कोनो न कोनो सूत्र अवश्य मिली जोन हमनी के पहुंचाई राउर पुत्री तक। अरे इत अरितिका के केचुनी बा। याशा जगावत बा कि वो जीवित बिया, होखे ना होखे वो दुष्ट शोलक राउर पुत्री के यही नाव से बंदी बना के लेके गई बा। कहां होगी हमार पुत्री? शोलक के प्रणाम करा। कदापि ना, तू बुरा बाड़ा और तुहार लक्ष्य भी बुरा बा। तुहार क्रोध अभी तक गईल ना, तू हमार वशीकरण में बाड़ू, तुहार शरीर हमार बीन के असर में बा। तू भाग तो सकेलू ना, हमार बात तू मान ला, बोला हमरा खातिर काम करबू, अपना भीतर समायल विष के प्रयोग ओ पर करबू जेकरा पर हम कहा। कबो ना, हम केवल पीड़ित लोग के विष पीके उनकर प्राण बचावेनी। अच्छा, देखा तानी हमार बात कैसे ना मनबू तू। सरपराज, हमनी नदी के ओपार जाए के होखी,
गिद्धराज ताम्र मशाल के बाद पार शब्द कहले राले। हमने के बहुत सावधान रह के होती। भैरव ऊ देखा बीन एकर का अर्थ भइल एकर मतलब सर्प लोक के सीमा अब समाप्त भइल। रउआ संगे अब आगे ना जा सके नहीं हम कहे कि आगे सपेरन के बस्ती बा। हम रउआ संगे गए नहीं तो हमार गंध से ही शोलाक के पता चल जाए कि ओकर इलाका में केहू आइल बा और रउआ खातिर फिर खतरा हो सकेला। यही से रउआ अकेले ही जाए के होगी। सावधान रह भैरव। रउआ चिंतित ना होखी सर्वराज। अब राउर पुत्री के जीवित लावल हमार लक्ष्य बा। बुढ़ा, तू हमार योजना के विफल कैला। साधना से बनल ओ द्रव्य के तू गिरा दिला जैसे हम मंजूषा के शरीर के भस्म कर सकत रहनी। अब देखा हम तुहार का करत बानी। यहाँ हमरा लोक में केवा 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 सामने आवा केवा। शोलक ई भैरव बा जे सर्प कन्या आरतिका के लेवे आइल बा। ओके कैसे ज्ञात भई? हम नदी किनारे आरतिका के पिता के एकरा संगे देखले रहनी। शोलक केवा केवा तम बता हमरा सामने आवा शोलक के सामना करा। शोलक भैरव तू हम जाना तानी कि तू यहाँ कहाँ आयल बाड़ा किंतु अफसोस तू यहाँ से जीवित ना जाइबा। हम जीवित भी जाएब और अरितिका के संगे लेके भी जाएब। अरितिका के तब लेके जाइबा ना जब वो जीवित होगी। मार चुकल बानी हम ओके। यदि सत्य बात हम तो के जीवित ना छोड़ब। बोला शोलक
अरितिका जीवित बिया की ना बोला। जीवित बिया, जीवित बिया। हमके छोड़ दो और ओकरा के ले जा। बतावा कहाँ बिया अरितिका? बतावता नहीं। पहले हमके नागपास से मुक्त करा। हमके क्षमा कर दी, बड़ा भूल हो गई। आई हमरा संगे। रउए सर्पराज के कन्या अरितिका बानी? जी हाँ। तो चली यहाँ से, हमने यहाँ से जल्दी निकले के होगे। चली जा भैरव, आगे बढ़ला तो अरितिका की आग में भस्म कर दे। समर्पण कर दा। बोला हमार बंदी बनबा की ये टोकरी की आग में फेंकी। रुक जा, हम तोहार बंदी बने खातिर तैयार बानी। बुझा दा ये अग्नि के। इतना आसान नहीं के अरितिका के यहाँ से ले जाइल। वो हमरा वशीकरण में भी आ, जल्दी ही वो सब करी जन हम एकरा से कहब। और अब तब तू भी हमरा वश में बाड़ा। बेटी के कहा लेके जा रहा बड़ा। तुहार बेटी हमरा खातिर वो काम करी जैसे माता भी ऋषि कन्या के ना जाना सके। चला ना, ना। यही में से कोनो एगो टोकरी में उस सर्प कन्या कैद पिया। गिद्धराज के बाप में से निकलल शब्द यहाँ तक आवे के मार्ग तक दिखा देले बा। बाकी सर्प कन्या के मुक्ति के रास्ता अब का होगी? माते, रात्रि के प्रहर बीत रहल बा। यदि भैरव समय पर ना पहुंच सकले तो का होगी? आप देखा, आज के हमारे क्रिया से सर्प कन्या के मन भी हमरा वश में हो जाई। एकरा मन के नियंत्रित कर हम सबसे पहले एक तोरा के डसे के कहा। We'll be right back.
बोला हमार बात मनबू कबू ना कबू ना। अच्छा देखा तानी तू हमार बात कैसे ना मनबू। हमार हर बात मनबू डसबू ओकरा जकरा हम कहा जा अरतिका जा डसला भैरव के जा अरतिका जा ई हमारा आदेश बा जा जा। ध्वस्त कर तू इस सर्प करने से हमार शक्ति के खत्म कर देला। हम तोरा के छोड़ब ना। दुष्ट, तू अपना स्वार्थ खातिर ना जाने कितना पाप कैले बड़ा। तो के वो कर दंड आज मिले के ही चाही। आसानी से मुक्त ना होके दे चला हमरे संगे। चला हमरे संगे। तू अपन प्रवृत्ति कबो छोड़ ना सकेला तो हार अंत निकट बा। पिताजी, पुत्री तू? हाँ पिताजी, माताजी के आशीर्वाद से हमके पुनः जीवन मिलल बा। पुत्री जदि तू जीवित हो गेल बाड़ू त ई शरीर कैसन बा? हम आत्मा बानी पिताजी, हमार ए शरीर के एक घेरा से बाहर निकाल दी। काहे कि एक घेरा के रहत हम एमे प्रवेश ना कर सकेनी। जल्दी करी पिताजी।
रुक जाए ऋषिवर। ये का अनर्थ करे जा रहा बानी ऋषिवर? इलाउर पुत्री मंजूषा नहीं थे, अपितु मंजूषा के शरीर के घेरा से बाहर निकाले खातिर कोनो नया चाल बा। का रहली सब? ओ दुष्ट, हमके और हमार पिताजी के बंदी बना देले रहल और उनके मार देले रहल। दुर्गलाल तन विकराल बाहु विशाल उन्नत भाल है, विद्रूप विद्वंसक मति मत मत गज सी चाल है। करे कबो पराजित ना हो खब माता से हम, अब हमार खेल देखा। जा मंजूषा बन के ऋषि से कहा कि उनकर कन्या के शरीर के बाहर निकाल। जा। यदि एक पल के भी देरी हो जाए तो रउआ वो मेघासुर के चाल में फंस जाती। अरितिका, रात्रि के प्रहर बीते वाला बा, रउआ शीघ्र ही ऋषि कन्या के शरीर के भीतर वो विष के खींच के ओके जीवन दी। मंजूषा, पुत्री मंजूषा। पिताजी, हे सर्प कन्या अरितिका, हम राउर आभार व्यक्त करत बानी कि रउआ हमार पुत्री मंजूषा के पुनः जीवन दान देले बानी। ऋषिवर, हम तो केवल माध्यम बानी, ई सब माता के कृपा बा, उनका रक्षक भैरव के कारण हो सकल बाई। भैरव, हम माता के धन्यवाद करे खातिर उनकर पूजा के तैयारी करे जा रहल बानी। राउर बहुत बहुत धन्यवाद। ना होखे मेघासुर ऋषिवर के उठा के लेके गए बा, वो अपन पराजय से बहुत गुस्सा में बा, उनके अवश्य वो दंड दी। उनकर दंड के एक ही अर्थ बा, अंधकूप दंड। बुद्धा, तुहके तो दंड मिले के ही रहा, तू यहाँ माता के शक्ति पीठ के ढूंढले बाड़ा, तब तक तू एकर परिणाम जान गिन बाड़ा ना। जा पिताश्री। रुक जा मेघासुर। भैरव जा अंधकूप से ऋषि के नेत्र के ले ला। जा का हो गई रहुआ पिताश्री?
माता भक्त ऋषिवर के नेत्र के वापस लावे के ही होगी। इंद्रदेव, भैरव के क्रोध के ना अपितु उनकर संयम और बुद्धि के परीक्षा बा। अब देखे के ई बा कि भैरव युक्ति का लगावत बाड़े। का रउआ में से के हो असुर मेघासुर के विरुद्ध हमार सहायता कर सकेला? हे नेत्र, हमार एगो मात्र पुत्र के नेत्र असुर मेघासुर माता के भक्ति के कारण छीन लेले बा। का रउआ में से केहू आपन नेत्र हमके दान में दे सकेला? का रउआ हमार सहायता करब? हम तुहार माता भक्त पुत्र के नेत्र अवश्य बनब, परंतु एक बार पुनः सोच ली। माता के भक्ति के कारण वो तुहार नेत्र के पुनः महादंड दे सकेला। काहे कि मेघासुर के राज में हर अपराध के दंड नेत्र के सही के पड़ेला। माता खातिरी नेत्र कोनो भी दंड सह सकेले, बार बार सह सकेले। ले चली। इतना बड़ माता भक्त ऋषि के ही नेत्र हो सकेला, और केहू के ना। ऋषि के नेत्र कबो वापस ना आ सकेला। माता के भक्त ऋषि और उनकर पुत्री हमार शत्रु बने। हमके वो नेत्र वापस दे द। I'm not afraid.
हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। माता कुमारी के शक्तिपीठ यहां स्थापित भाई, माता सदा ही धर्म पर चले वालन के संगे बड़ी, और जौन भक्त उनका सच्चे मन से याद करी, माता सदा ही ओकर कार्य पूर्ण करी हन।